ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड एक बार फिर सुर्खियों में है। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जिस क्रूज पर आयोजित रैप पार्टी के गेस्ट थे, वहां ड्रग्स उड़ाया जा रहा था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB की रेड में क्रूज से कई किस्मों का ड्रग्स मिला है। शाहरुख खान के बेटे की मौजूदगी ने इस मामले को फिर से सुशांत सिंह राजपूत केस की तरह चर्चित बना दिया है। यह रेड मुंबई से चलने वाले कार्डेलिया क्रूज पर पड़ी। बताते हैं कि एक निजी कंपनी ने आर्यन खान के नाम पर ही क्रूज पर भीड़ जुटाई थी और उनसे मामले की पूछताछ की जा रही है। हालांकि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, हाल ही में गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खेप है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 21,000 करोड़ तक आंकी गई, लेकिन मीडिया और सरकार दोनों की इस पर खामोशी बनी रही। यह हेरोइन अफगानिस्तान से आई थी, जिसे 13 से 14 सितंबर को ईरान के अब्बास बंदरगाह के रास्ते भारत भेजा गया था। मुंद्रा पोर्ट पर DRI के अफसरों ने इसे पकड़ लिया। गांधीनगर की सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी CSFL के विशेषज्ञों के मुताबिक ये बेहद उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन है, जो संभवतः अफगानिस्तान में पैदा होती है। ड्रग्स के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है और ये सवाल पूछ रही है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ भारत में आ रहे हैं और सरकार चुप क्यों है, क्यों इसकी निंदा नहीं करती है। कांग्रेस नेता और गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने BBC के साथ अपने एक इंटरव्यू में ड्रग्स पर सरकार की खामोशी की कड़ी आलोचना की थी।